एक बार फिर टीकाकरण में टॉप पर बिहार, गांधी जयंती पर वैक्सीनेशन 27 लाख के पार। चुनाव आयोग ने लोजपा के चुनाव चिन्ह बंगले को किया फ्रीज, आयोग की कार्रवाई पर पशुपति पारस ने दिया बड़ा बयान, कहा हमने ही की थी फ्रीज की मांग। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बंगाल विधानसभा उपचुनाव के आज आएंगे परिणाम, सीएम की कुर्सी बचाने के लिए ममता बनर्जी को करना होगा जीत से आगाज। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है, मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। गांधी जयंती के मौके पर बिहार में कोविड को हराने के लिए मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद बिहार एक दिन के वैक्सीनेशन कैंपेन में फिर अव्वल रहा है। और आपको यह भी बता दें कि कोविन पोर्टल से मिले आंकड़ों के मुताबिक बिहार में अब तक 27.4 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। जिले में वैक्सीन की कमी ना हो सके इसके लिए बिहार सरकार ने 57.34 लाख वैक्सीन की डोज आवंटित की है, यानी नीतीश सरकार ने पूरी तैयारी के साथ इस मेगा अभियान की शुरुआत की है। हर जिले में क्षमता के मुताबिक वैक्सीन की खेप पहुंचाई गई है। बता दें कि बिहार में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर 33 लाख कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बिहार सरकार तीसरे लहर के मद्देनजर भी तैयारियां कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगाकर इस महामारी से बचाव की तैयारी को मजबूती दे रहे हैं। लोजपा में जारी अंतर कलह के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर दिया, जिसके तहत चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि अब कोई गुट लोक जनशक्ति पार्टी के नाम का भी उपयोग नहीं कर पाएगा। दरअसल लोजपा के असली अध्यक्ष कौन है, इस विवाद की सुनवाई चुनाव आयोग में चल रही थी। चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों ने चुनाव आयोग के समक्ष ये दावा कर रखा था कि पार्टी के असली अध्यक्ष वही हैं और उनके नेतृत्व वाले गुट को ही लोजपा की मान्यता मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग से यह भी आग्रह किया गया था कि वह 8 अक्टूबर से पहले फैसला ले ले ताकि उनके उम्मीदवार पार्टी और चुनाव चिन्ह का उपयोग कर पाए। उपचुनाव के मद्देनजर ही चुनाव आयोग ने अंतरिम आदेश जारी किया है। इसके तहत चुनाव आयोग ने दोनों ही गुटों को 5 सिंबल दिया है, जिसमें से दोनों को ही 1 सिंबल तय करने को कहा गया है। हालांकि देखना होगा कि अभी आयोग क्या फैसला लेती है, और लेकिन फिलहाल चिराग के लिए मुश्किल ज्यादा दिख रही है। इधर लोजपा अध्यक्ष पद के लिए चल रही अंतर कला के बीच चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर दिया, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बड़ा बयान दिया है। डीटीवी भारत संवाददाता अभिषेक से बातचीत के दौरान पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि चुनाव आयोग से उन्होंने ही सिंबल को फ्रीज कराने की मांग की थी। साथ ही केंद्रीय मंत्री पारस चिराग को लेकर भी नरम अंदाज में दिखे कि मैं चुनाव आयोग के आदेश का हमारी पार्टी और मैं स्वागत करता हूँ। मेरा डिमांड भी यही था कि जब तक चुनाव आयोग के द्वारा फैसला नहीं होता है तब तक चुनाव चिन्ह को किसी भी दल में जो 2 ग्रुप है उसमें किसी को भी आवंटित नहीं किया जाए। मैं सभी दल के लोगों को मैं आमंत्रित किया हूँ। चिराग पासवान जी तो हमारे घर का लड़का है, मतभेद अलग है, मतभेद होना एक अलग चीज है। मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा, मैं उनके पास भी कार्ड भेजूंगा। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और अगली खबर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चकबंदी को लेकर के नई व्यवस्था की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, चकबंदी के लिए बिहार में अब नई व्यवस्था लागू की गई है। तो क्या है वो व्यवस्था आपको बता दें, दरअसल चकबंदी लागू करने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका इस बार खास होने वाली है, एक अहम भूमिका होने वाली है, और अधिकारियों को चकबंदी में माननी होगी प्रतिनिधियों की बात। तो बड़ी
खबर इस वक्त की चकबंदी अधिकारी नहीं करेंगे कमेटी का गठन। तो कमेटी का गठन अब नहीं कर सकेंगे चकबंदी अधिकारी और चकबंदी के लिए बिहार में एक नई व्यवस्था लागू की गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां चकबंदी को लागू करने के लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और अब इसको लेकर नई व्यवस्था की गई है। दरअसल पंचायत प्रतिनिधि जो है उनकी एक अहम भूमिका होने वाली है, उनकी एक खास भूमिका होने वाली है और अधिकारियों को चकबंदी में जो है वो प्रतिनिधियों की बात माननी होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, चकबंदी अधिकारी कमेटी का गठन नहीं कर पाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां चकबंदी को लेकर के आपको बता दें कि नई व्यवस्था लागू की गई है। चकबंदी को लेकर के नई व्यवस्था लागू की गई है। दरअसल बता दें आपको कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने चकबंदी कानून में संशोधन के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसके मुताबिक गांव में सलाहकार समितियों का स्वरूप पहले से बदला जाएगा और पहले गांव के सलाहकार समितियों का गठन चकबंदी पदाधिकारी करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले चकबंदी अधिकारी की मर्जी से गांव के ग्रामीण समिति के सदस्य चुने जाते थे, लेकिन संशोधन के बाद पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधि जैसे कि मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति के सदस्य ही अपने गांव की चकबंदी सलाहकार समितियों के सदस्य होंगे और चकबंदी में सलाहकार समिति की सलाह जरूरी होगी। सीपीआई के पूर्व नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि राइजिंग स्टार हैं कन्हैया कुमार और किसी भी दल में जाएंगे चमकते रहेंगे। मांझी का यह बयान बिहार की राजनीति में एक नया मुद्दा बन सकता है, क्योंकि मांझी की हम पार्टी एनडीए में शामिल है जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है। कन्हैया का जहां तक सवाल है, हम कन्हैया के प्रशंसक रहे हैं। कन्हैया एक राइजिंग स्टार है, कोई पार्टी में रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन किस पार्टी में गया है, अब क्या गया है, उसका मकसद तो हम नहीं जानते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव वर्षगांठ के अवसर पर नालसा के नेतृत्व में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत न्यायालय परिसर में पद यात्रा निकाला गया, जिसमें जिला जज अशोक कुमार पांडे सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, पैरालीगल वॉलंटियर सहित न्यायालय के अन्य कर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान जिला जज अशोक कुमार पांडे ने कहा कि हमारे पीएलबी के द्वारा प्रखंड एवं ग्रामीण क्षेत्र में विधिक जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि छोटे मोटे मुकदमा ना करें और झगड़ा झंझट से बचे। नालसा के तत्वाधान में ये स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर विधिक जागरूकता हेतु रखा गया है। इसमें हर प्रखंड में जाकर, हर जगह जाकर के हमारे जो पीएलवीज हैं वो विधिक जागरूकता फैलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि वो छोटे मोटे मुकदमे न लड़ें और अगर यदि मुकदमे हो भी जाते हैं तो उनको लोक अदालत से उनका सुलह करवाएं। गया में आजादी अमृत महोत्सव के तहत आपको बता दें कि विष्णुपद मंदिर से नगर निगम ने स्वच्छता के प्रति प्रभात फेरी निकाली और इस दौरान प्रभात फेरी में गया के मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव और कई कर्मचारी और कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कर्मचारी उपस्थित होकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और स्वच्छता रैली शहर के विष्णुपद मंदिर से होते हुए फागु देवघाट, चंद चौरा सहित कई क्षेत्र में लोगों को साफ सफाई को लेकर जागरूक कर रही थी। उसके बाद स्वच्छता के सिपाही कर्मचारियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मेला में नगर निगम की ओर से
आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका मुख्य संदेश है शहर को पूरी तरह सुंदर और स्वच्छ रखना। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में चार दोस्त बलान नदी में स्नान करने गए थे, तभी चारों युवक के डूबने की खबर मिलने से स्थानीय लोगों की मदद से तीन युवक को तो बचा लिया गया, लेकिन डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक पकड़ी गांव निवासी संतलाल यादव का बेटा है और जिसका नाम प्रिंस कुमार बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना पर बीरपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रोहतास जिले के करहगढ़ में करहगढ़ सीएचसी के पुराने भवन में नाले का पानी लग जाने से मरीजों के साथ अस्पताल कर्मियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जांच लैब सहित कई कार्यालय में भी नाले का पानी भरा हुआ है, जिससे कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। परेशानी है, पूरा पानी से देख रहे हैं तो भीग गया है। हमको लग रहा है कि अभी तो पानी चार अंगुली घट गया है, नहीं तो इसके पीछे जो पहले जो है पानी भरा हुआ था इतना कि मैंने हमारा मीरा में घुसने की नौबत आ गया था, तो सब आकर के ऊपर में किए हैं। तो ये कैसा पानी है? ये पानी जो है नाला का पानी लग रहा है कि आ गया है। तो ये हर वक्त पानी हर वक्त इसी तरह से आ जाता है या पिछले साल भी आया था? और अभी सुपौल में तीसरे चरण का मतदान छातापुर में 8 अक्टूबर को होना है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा पूरी चौकसी बरती जा रही है। जिसको लेकर छातापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सुपौल जिलाधिकारी महेंद्र कुमार, पुलिस कप्तान मनोज कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ आवश्यक वस्तु सहित विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन से भी अवगत करवाया। तो बता दें आपको कि तीसरे चरण के मतदान को लेकर के प्रशासन लगातार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है और तीसरे चरण को लेकर के जिसमें बैठक का आयोजन किया गया, साथ ही साथ कई अहम निर्देश भी दिए गए। हर साल नालंदा जिले में बाढ़ जैसी त्रासदी का दंश आम लोगों से लेकर किसानों तक को झेलना पड़ता है। वहीं पिछले दिनों लगातार हुई झमाझम बारिश के बाद पानी का असर नालंदा जिले में भी देखने को मिल रहा है, जहां नालंदा जिले के अस्थावा, कतरी सराय, बिंद और रूही प्रखंड में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बैठवा, सेवा, कुमरी जितनी नदियां हैं और सबका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है और कई जगह खाड़ भी हो चुके हैं, जिसके कारण ललहाते फसल जो धान के थे वो बर्बाद हुए हैं और काफ़ी क्षति है। और हम लोग लगातार दौरा किए हैं। आज अभी हम कतिसराय प्रखंड के पटोरिया में हैं और बगल में आपका जो गांव है कटौना, वहां भी कई खाड़ हुए हैं और तटबंध टूटे हैं और फसल की क्षति हुई है। इसके अलावा हमारा जो अस्थामा प्रखंड है वहाँ भी कई जगह जियर, बहादी बीघा, जाना, ओंदा के इलाके में बाढ़ की क्षति हुई है और कई तटबंध टूटे हैं जियर में, जिसके कारण वहाँ भी भयावह स्थिति है। यथाशीघ्र जितने भी तटबंध टूटे हैं और खाड़ हुए हैं उसको अविलंब भरा जाए। तो हम लोग तत्पर हैं और कोई दिक्कत नहीं हो हमारे किसानों को, हमारे ग्रामीणों को, इसके लिए लगातार हम लोग लगातार लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के गायघाट मेठी टोल प्लाजा पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब टोल कंट्रोल रूम के समीप ठनका गिर पड़ा। वहीं टोल बूथ पर काम कर रहे करीब दर्जनों कर्मी बाल बाल बच गए। आकाशीय बिजली के गिरने से टोल प्लाजा पर लगे राजस्व शुल्क संग्रह के लिए लोग सभी मशीनरी सामान जल गए। तो बता दें आपको कि ठनका गिरने से लाखों की क्षति हुई है, वहीं लोग जो हैं वो बाल बाल बचे हैं। दरअसल मेठी टोल प्लाजा का ये मामला है जहां पर आकाशीय बिजली गिरने के बाद ये तस्वीरें सामने आई है, लेकिन गनीमत ये रही कि लोग वहां पर जो थे, जो कर्मी वहां काम कर रहे थे, वो बाल बाल बच गए।
बिहार के ज्यादातर जिलों में लगातार पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही है और मौसम विभाग में जो ताजा जानकारी दी है उसके मुताबिक आज भी कई जिलों के लिए अगले 72 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरभंगा, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और मधुबनी जिले में भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिनों तक इसी तरह बारिश होती रहेगी और तेज हवा भी चलती रहेगी। और अब एक नजर झारखंड की खबरों तक। झारखंड पुलिस ने 24 घंटों के भीतर मनेगो में आलू व्यापारी से हुए 1.5 लाख लूट मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों का नाम मोहम्मद राजा और शकीमुद्दीन शेख बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से 2 बैग, 1 चाकू, लूटे गए मोबाइल, लूट में प्रयोग किए गए बाइक बरामद किए गए हैं। जमशेदपुर में घाटशिला अनुमंडल का गुडबांधा प्रखंड के राणा टोला में रहने वाले दर्जनों किसानों की जमीन बारिश से कटाव के कारण, आपको बता दें कि नदी में समा गई। गांव के किसान अपनी जमीन का कटाव होते देख कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक गुहार लगाई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। वही बंगाल के भवानीपुर सहित मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज और जंगपुर विधानसभा सीटों पर हुए मतदान के नतीजे आज घोषित होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार सुबह से मतगणना शुरू हो जाएगी। नतीजों के रुझान सुबह 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे और भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो ममता बनर्जी उम्मीदवार हैं, जबकि उनके मुकाबले भाजपा से प्रियंका टिबरेवाल और माकपा से श्रीजीव विश्वास हैं। 3 विधानसभा सीटों पर गत 30 सितंबर को मतदान हुए थे, यानी कि बीते 30 सितंबर को मतदान हुए थे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी का यह चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।